हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही बेहतरीन सी क्रीम के ऊपर रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और मेरा जो आज का वीडियो है ये स्पेशली मेंस और बॉयज़ के लिए है। तो अगर आप गर्ल्स हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हो सकता है बोरिंग हो, तो आप इस वीडियो को स्किप कर दें। और हाँ, मेंस और बॉयज़ के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का रिव्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ मेंस फेयर एंड लवली इंस्टेंट फेयरनेस रैपिड एक्शन क्रीम के ऊपर। तो अगर आप ये क्रीम यूज़ करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस क्रीम के बारे में, ये आपकी स्किन के लिए कैसे वर्क करता है, आपकी स्किन के लिए कैसे इफेक्टिव है, इसका प्राइस, पैकेजिंग क्या है, सबके बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का वीडियो। पहले बात करेंगे इसके पैकेजिंग की। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, इस तरह की आपको डार्क ब्लैक कलर की ट्यूब पैकेजिंग में मिलती है। तो पैकेजिंग वाइज बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली है और बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली इसकी पैकेजिंग पसंद आई। तो फ्रेंड्स, पैकेजिंग के बाद बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो मेरे पास जो है इसकी 50 ग्राम की पैकेजिंग है जिसका प्राइस है 130 रुपीज़। तो मुझे लगता है प्राइस वाइज भी ये बिल्कुल सही है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका, अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है, आप इजिली इसे अफोर्ड कर पाओगे। तो प्राइस की बात बात करते हैं कि इसे आपको अपनी स्किन पे, ये आपकी स्किन के लिए कैसे वर्क करता है, कैसे इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है रिड्यूस डार्क स्पॉट्स इंस्टेंट फेयर एंड ब्राइट लुक, यानी कि ये आपके डार्क स्पॉट को रिड्यूस करेगा, आपको इंस्टेंटली एक ब्राइट लुक देगा। और ये जो है इन्होंने नीचे स्पेशली लिख रखा है फॉर मेंस स्किन ओनली, तो ये सिर्फ मेंस के लिए ही है। तो ये जो है आपकी डार्क स्पॉट को रिड्यूस करता है। तो इस चीज़ से मैं आपको बताना चाहूँगी कि जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपकी डार्क स्पॉट को ख़त्म तो बिल्कुल नहीं करता बट काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है, काफ़ी हद तक कम कर देता है। और रहा सवाल इंस्टेंट फेयर एंड ब्राइट लुक का, तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपको इंस्टेंट फेयरनेस लुक देता है, ये आपको इंस्टेंटली बहुत ही ज़्यादा मतलब फेयरनेस दे देता है आपकी स्किन पे, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लुक दे देता है। तो ये दोनों ही चीज़ें इनके बारे में बिल्कुल सही है। इसके बाद मैं आपको अगर इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊँ तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर आपको केमिकल मिलता है, ये केमिकल फ्री नहीं है, इसमें काफ़ी केमिकल के यूज़ हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो क्रीम है अगर आप डेली बेसिस पर यूज़ करते हो तो ये आपकी स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप इसे डेली बेसिस पर यूज़ करते हो तो आपको हो सकता है कि इस क्रीम से बहुत ज़्यादा आपकी स्किन पर प्रॉब्लम देखने को आपको मिले। और मैं आपको बताऊं कि ये जो क्रीम है ये डेली बेसिस के लिए बिल्कुल नहीं है। ये क्रीम स्पेशली अगर आप किसी ओकेजन्स पे जाते हो, किसी पार्टी फंक्शन में जाते हो या कभी कभार के लिए आप इसे यूज़, बहुत सारे लोग होते हैं कि इसको डेली यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसको, इस क्रीम को डेली यूज़ करने से होता क्या है, आपकी जो फेस है, आपको आपके फेस पे इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, आपको पिंपल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, आपकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है अगर आप इसका इस्तेमाल डेली करते हो तो। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि इसे आपको डेली यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये डेली यूज़ करने के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। और अब आप सोचोगे कि अब हम डेली बेसिस पे कौन सा क्रीम यूज़ करें, तो मैंने इससे पहले सनी हर्बल की ऊपर भी रिव्यू किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि वो जो क्रीम है डेली बेसिस के लिए बिल्कुल सेफ है अकॉर्डिंग इसके। तो उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपको डेली बेसिस पे अप्लाई करने के लिए कोई अच्छा सा क्रीम चाहिए तो वो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन होगा, बट ये आप लोगों के लिए डेली बेसिस के लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन नहीं होगा। बट हाँ, ये कभी कभार में पार्टी फंक्शन में अगर आप यूज़ करते हो इस क्रीम को, काफ़ी बेस्ट है। तो मैं आपको बोलूँगी कि इस क्रीम को आप ज़रूर बाय करें, बट इसे आप कभी कभार में यूज़ करें, डेली यूज़ ना करें। तो अब हम बात करते हैं इसका जो एक्चुअल अमाउंट है किस तरह का है। तो ये इस तरह का है, जब आप इसे ओपन करोगे इस तरह की क्रीमी फॉर्म में आपको मिलता है, कुछ इस तरह का है, इस तरह का वाइट कलर का है, क्रीमी फॉर्म है इसका। और अगर आप इसके फ्रेग्रेंस की बात करोगे तो इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। आपको इसके फ्रेग्रेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसका जो फ्रेग्रेंस है काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया सा फ्रेग्रेंस है इसका। तो फ्रेग्रेंस वाइज तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ओवरऑल अगर अब मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बोलूं तो आप इसे ज़रूर बाय कीजिए, और कैसे यूज़ करना है ये तो मैंने आपको बता ही दिया। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों के लिए मेरा आज का ये वाला रिव्यू वीडियो हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरी इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं प्रिया मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।